बार एक दफा फिर हम लोग आपके सामने मौजूद हैं क्योंकि आज है दमहे का ग्रैंड फिनाले। और आज आप तमाम व्यूअर्स, आप तमाम दोस्तों के सामने पेश किया जाएगा 25 एपिसोड्स का निचोड़, यानी वो चार टैलेंट जो पहुंच चुके हैं फाइनल्स तक, और वो एक जिसमें होगा सबसे ज्यादा दम वो जीतेगा पूरे 10 लाख रुपए। और ये डिसाइड करेंगे हमारे जजेस। वेलकम टू आवर परमानेंट जजेस मिस्टर साजिद हसन एंड मिस्टर बहरोज सबसवारी। आज हमारे साथ दो सेलिब्रिटी जजेस मौजूद हैं, सेलिब्रिटी तो नहीं उनको कह सकते, दो लेजेंड्स मौजूद हैं। उनमें से एक He is the legend, he is the powerful man. उनके लिखने में इतनी ताकत है कि सब घबरा जाते हैं, और कई दफा उनके लिखने में इतनी ताकत होती है कि हम सबको हिम्मत भी देते हैं। मैं बुलाऊंगी the one and only Anwar Maqsood। दूसरे सेलिब्रिटी गेस्ट जज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी उन्होंने कैरेक्टर किया है वो इतनी बखूबी किया है कि आप सबके दिलों में समा चुके हैं। पाकिस्तान के लेजेंड हैं वो, उनका नाम है मिस्टर मोइन अख्तर। सबसे पहले तो मैं दो लेजेंड्स का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हमारे ग्रैंड फिनाले में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। और मैं अनवर मकसूद साहब से, जो कि हमेशा जू मायने किस्म के डायलॉग्स लिखते हैं, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वेरियस टैलेंट जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है और इस ग्रैंड फिनाले से रिलेटेड, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैंने जितने भी प्रोग्राम देखे सारे तकरीबन देख चुका हूँ। टैलेंट तो बहुत है, और अगर जजेस बहाल हो गए तो टैलेंट और बढ़ेगा। आप लोग काम करें भाई, सीट बदल लें, कोई ताल्लुक नहीं। सर, इसी तरह की कोई क्रिएटिव बात आप भी, मिस्टर मोइन अख्तर? अभी आपने कहा कि जू मानी लिखते हैं, ये जू मानी नहीं लिखते हैं, ये एक लाइन के कोई 25 मानी होते हैं। ठीक है सर, आपकी कोई 25 मानों वाली बात होगी? अब मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। ये बच्चे जिनका प्रोग्राम है, और ये जैसा अनवर ने कहा कि हमने भी बहुत देखे, कई प्रोग्राम्स देखे, और ये बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, और इनकी हिम्मत अफजाई की बहुत ज़रूरत है। और ये जितने भी लोग देख रहे हैं जो ऑन एयर हैं और यहाँ पर जो मौजूद हैं, इनको चाहिए कि ये सारे लोग एक दूसरे को देख के बहुत तवज्जो से देखें और बहुत दाद दें, क्योंकि टैलेंट को सराहना बहुत ज़रूरी है। Right. अब मेरी इस बात का एक ही मतलब है, इसमें कोई दूसरा मतलब नहीं है। एनीवेज व्यूअर्स, जजेस ने कर दिया है मोटिवेट। आपके सामने अब मैं फर्स्ट टैलेंट को बुलाना चाहूँगा, उनके नाम से बखूबी वाकिफ हैं आप, शैली उनका नाम है, जिमनास्टिक करती हैं वो, बहुत डिफरेंट किस्म की, यूनिक किस्म की परफॉर्मेंसेज करती हैं वो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, उसके बाद सेमीफाइनल से, और अब इस ग्रैंड फिनाले में देखते हैं कि वो क्या करती हैं हमारे जजेस के सामने और कितना इंप्रेस करती हैं। आपके सामने आ रही हैं शैली।